आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। एक्स अपने के पास क्या कहा, कहाँ से कहाँ तक दे रखा, तो एक्स अपने के पास -1 से लेकर के 1 के बीच में एंड द वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। वाई ऑफ 0 इक्वल टू किस तरह दे रखा है, 0 के बराबर। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपने के पास निकालना है किसके बराबर दे रखा है, के के बराबर। देन द के इनवर्स, यानी आपने के पास के इनवर्स निकालने हैं। चलिए सबसे पहले आपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। वाई ऑफ एक्स तो आपने के पास निकालना ही पड़ेगा, तो 1 - x² और इन टू आपने के पास दे रखा है डी वाई के बराबर इक्वल टू। यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो यह आगे आपने के पास एक्स वाई और प्लस टाइम्स यह आगे आपने के पास x³ + 2 के बराबर आया ना, और इस पूरे के मल्टीपल में दे रखा है आपने के पास √1 - x² के बराबर, फिर पूरे का मल्टीप्लाई में दे रखा अपने से डी एक्स के बराबर। यहाँ से बताइए, यहाँ से अपने कैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दिया गया अपने कैसे एक्स वाई और होल अपॉन में अपने कैसे 1 - x² के बराबर है आया ना, और यहाँ से अपने कैसे प्लस टाइम्स x³ और प्लस टाइम्स 2 के बराबर और होल अपॉन में आगे किसके आ जाएंगे, तो √1 - x² के बराबर। हम थोड़ी बहुत अपने कैसे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर ली है और कुछ नहीं। यहाँ से अपने कैसे क्या गया, एक्स अपॉन में आ गया 1 - x² के बराबर। जैसे इसको नीचे डिवाइड करेंगे ना 1 - x² से, तो ये आपने कैसे कैंसिल आउट होगा, √2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से आपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने कैसे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टाइम्स ये आ गया अपने कैसे एक्स अपॉन में 1 - x² के बराबर और इन टू आ गया अपने कैसे वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने कैसे किस बराबर, तो ये आ गया x³ + 2 के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने कैसे √1 - x² के बराबर। ये आ गया अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो दिस वन इज द लीनियर डिफरेंशियल। बताइए ये अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो यहाँ से अपने के पास आई एफ बताओ, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएंगे अपने के पास ई की पावर में इंटीग्रेशन पी पी एक्स के बराबर है। पी अपने के पास किसके बराबर है, तो माइनस टाइम्स अपने के पास एक्स और अपॉन में 1 - x² और इंटू डी एक्स, इसको अपने के पास क्या करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं। यह अपने के पास माइनस टाइम, यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं अपने के पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई और अपने के पास 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास 1/2 2ln पता है, तो 1 - x² के बराबर हाँ है ना इक्वल टू आ गया अपने पास ln√1 - x² के बराबर। ये हो जाएंगे ना अपने पास, देख लो जैसे अपने पास एक सेकेंड ये अपने पास माइनस, जैसे अपने पास आ गया -(1 - x²) तो ये आ गया अपने पास -(2) हाँ, तो ln आ गया अपने पास √1 - x² के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर में इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ से अपने पास सिर्फ और सिर्फ ln√1 - x² के बराबर। डैट मीन्स आ गया अपने पास किस बराबर, 1 - x² के बराबर, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके बराबर आ गया तो यहाँ से अपने पास सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन किसके बराबर जाएंगे, तो इसको हम पार्टीशन कर देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से अपने पास सोल्यूशन जो हो जाएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे y√1 - x² या गया स्क्वायर रूट है √1 - x² के बराबर और इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन बताओ, तो q किसके बराबर है x³ और प्लस टाइम्स 2 के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने के पास 1 - x² के बराबर और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किसके बराबर, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है। और यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए, कुछ गड़बड़ किए हैं दया नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, √1 - x² के बराबर दिया गया अपने के पास डी एक्स के बराबर। कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये और ये तो गया, क्यों गया, तो अपने 1 - x² है और √1 - x² के बराबर है हाँ या ना, ये आ गया इसके बराबर। अब अपने क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो y√1 - x² के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन x³ और प्लस टाइम्स 2 बचा और इन टू आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ गया अपने पास x⁴ और अपॉन में 4 के बराबर प्लस टाइम्स 2x के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर और ये आ गया अपने पास y√1 - x² के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने पास किसका सोल्यूशन, तो दिस वन इज द जनरल सोल्यूशन। क्या आ गया अपने पास, जनरल सोल्यूशन। जब अपने पास जनरल सोल्यूशन है तो यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से y√1 - x² के बराबर आया ना इक्वल टू आ गया अपने पास x⁴ और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 4 के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 2x + c के बराबर, 2x + c के बराबर। ये आ गया जनरल सोल्यूशन। इस जनरल सोल्यूशन में आपने पास c निकालने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रखा है, बताओ सी निकालने के लिए x₀ y भी 0 होगा, यानी ओरिजिन से पास हो रहा है। ये आ गया अपने पास जैसे x=0 पुट करेंगे तो y=0 होगा, ये जीरो आ गया, सी का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएंगे, जैसे जीरो पुट कीजिए सी अपने पास कितना आ जाएंगे, 0 के बराबर।
जब सी इक्वल टू जीरो आ गया तो यहाँ से अपने पास बताओ ये आ गया अपने के पास वाई को अकेला कर लीजिए, बाद में क्या अपने का सारा काम खत्म हो, यहाँ से अपने पास क्या आ गया सी इक्वल टू जीरो के बराबर। जैसे सी इक्वल टू जीरो आ गया तो इसको अपने पास थोड़ा छोटा कर लीजिए, यहाँ से अपने पास वाई ऑफ एक्स बताओ वाई ऑफ एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे तो एक्स की पावर फोर प्लस टाइम्स ये अपने पास एट एक्स के बराबर, हाँ है ना, चार दूनी आठ के बराबर, और होल अपॉन में किस आ जाएंगे तो फोर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया अपने पास किस बराबर वाई ऑफ एक्स के बराबर। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में अपने पास पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है इसका इंटीग्रेशन बताओ, देख रहे हैं मोए मोए कर लेंगे तुम्हारे साथ ठीक है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टू से लेकर के कहाँ तक वन बाई टू तक, और ये आ गया अपने पास किस बराबर तो दे रखा है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ एक्स यानी एक्स की पावर फोर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एट एक्स के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास फोर टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास पूरी क्वांटिटी इसके बराबर दे रखा है, इसको अपने पास थोड़ा सा नीचे कर ले ठीक है। अब अपने पास कैंसिल आउट कीजिए, ये और ये तो गया और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ठीक है, इसको अपने पास यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो इसको अपने पास यहाँ पर सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें तो इनको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी लगा लीजिए, प्रॉपर्टी लगा लीजिए ना तो फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन किसके बराबर है माइनस वन अपॉन टू और ये आ गया अपने पास वन अपॉन टू, अपने पास इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर फोर और अपॉन फोर के बराबर, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टू से लेकर के वन बाई टू या गया अपने के पास एट एक्स और अपॉन में किस आ जाएंगे फोर के बराबर, और ये रहा अपने के पास डी एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने के पास एक ऑड फंक्शन है, जब ये अपने के पास ऑड फंक्शन है तो पूरा अपने के पास जीरो हो जाएंगे ठीक है। अब अपने के पास ये एक इवन फंक्शन है, जब ये एक इवन फंक्शन है तो यहाँ से अपने के पास किस आ जाएंगे तो टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के वन बाई टू के बराबर, और एक्स की पावर फोर और अपॉन में किस आ जाएंगे फोर के बराबर और डी एक्स के बराबर। देख लो ये अपने के पास पूरा इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, यहाँ से आ गया अपने पास टू इंटू, यहाँ से आ गया अपने पास एक्स की पावर ऑफ फाइव और अपॉन में किस आ जाएंगे फोर के बराबर, फोर नहीं अपने पास ट्वेंटी के बराबर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं इस बराबर ट्वेंटी के बराबर, और इसका अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेकर के वन बाय टू तक, यहाँ से अपने पास बताऊँ तो ये आ गया अपने पास टू अपॉन ट्वेंटी के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास वन अपॉन में टू की पावर किस आ जाएंगे तो फाइव के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया, माइनस टाइम्स जीरो लिखना कोई जरूरी नहीं, तो वन अपॉन टेन और मल्टीप्लाई बाय किस आ जाएंगे तो वन अपॉन में किस आ जाएंगे थर्टी टू के बराबर, यानी आ गया अपने पास वन अपॉन में थ्री हंड्रेड ट्वेंटी के बराबर, यानी के का वैल्यू आ गया किसके बराबर सॉरी के नहीं अपने पास के इनवर्स पूछ रखा है, देखो वन अपॉन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी आ गया, इसका वैल्यू अपने पास आ गया के बराबर, इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे ये के बराबर, लेकिन फाइनल आंसर में अपने पास के इनवर्स पूछ रखा है, के इनवर्स अपने पास किस आएगा तीन सौ बीस के बराबर, यानी अपने पास वन अपॉन किस के किसके आ जाएंगे तीन सौ बीस, तीन सौ बीस अपने पास कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है बल्कि अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो अपने पास थ्री हंड्रेड ट्वेंटी अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, किसी को कोई इतराज हमारी सबसे नहीं होनी। तो ये थे अपने जेई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन काफी अच्छा था, काफी खतरनाक था, इसमें इंट्रीगेशन भी अपने से लग गया, ऐसे अपने जनरली सॉल्व कीजिएगा ये अपने पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो अपने मोए मोए कर दीजिएगा आप क्वेश्चन को। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।